देखिए, आज जो स्टार्ट होगा उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखिए, यहां पर करंट का मतलब होता है टू फ्लो, यानी करंट का मतलब क्या होता है, टू फ्लो, जो फ्लो कर सकता है उसको करंट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्ज। सीधा सीधा बात समझ लीजिए, यानी कि इसको आप डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पूरा नाम करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो चीज फ्लो करेगा उसके आगे करंट लग जाएगा, जैसे कि हीट करंट भी होता है, वाटर करंट भी होता है, एयर करंट भी होता है। करंट का मतलब होता है सीधा फ्लो, तो इलेक्ट्रिक करंट है इसलिए चार्ज का फ्लो हम लोग इसको कहते हैं, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज क्या, आपका इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन होना क्या, इलेक्ट्रिक करंट, सीधा सीधा बात। तो इसको अगर फिर आगे हम लोग लिखेंगे तो आई इक्वल टू होगा डेल क्यू बाई डेल टी लिमिट टी टेंस टू जीरो, यानी टाइम लगभग जीरो के आसपास हो, बहुत कम हो, टाइम क्या हो, लगभग जीरो के आसपास हो, बहुत कम हो, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, डी क्यू बाई डी टी, डिफरेंशिएशन के टर्म में। इसको जरा सिंपल व्यू में अगर लिखते हैं एवरेज के टर्म में, तो आई बराबर होगा क्यू बाई टी, क्या होगा आपका क्यू बाई टी। देखिए ये फॉर्मूला कब लगेगा, तो 10th लेवल के प्रॉब्लम में लगेगा। आपको कोई कह दे कि 10 कूलम चार्ज जो फ्लो हुआ है 2 मिनट में किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से, तो बताइए करंट क्या होगा, तो ये लगेगा। लेकिन अगर फ्लो जो चार्ज कर रहा है उसका फंक्शन दिया दे जाए, कि चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो 2t+3 इस तरह से रह दिया हुआ, या 10t² - 2t+5, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। और आपको तब को पता है कि एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो सबको पता है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, एम्पियर या कूलम पर सेकेंड या एम्पियर, यही बात इसको लिखते हैं, सीधा सीधा बात है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी होगा, बात समझिए ध्यान से, आई इंटू क्या होगा, डी टी होगा। तो ये फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, तो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा, या चार्ज फ्लो कह सकते हैं इसको, या चार्ज फ्लो जो होगा वह क्यू बराबर जो होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी होगा। फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वहां से आपको बनाना है, ठीक है। तो यहां तक में किन्हीं को कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, या सिंपल क्यू बराबर करंट इंटू टाइम भी होगा, इस फॉर्मूला को भी याद रख लेना है। इतना में किन्हीं को कष्ट है तो बोलिए, और नहीं तो देखिए एक बुक है जिसका नाम है SC वर्मा, है ना, पेज नंबर सेकंड बुक का 199, क्वेश्चन नंबर 1 और 4, तुरंत अभी का भी बनाइए, है ना, तुरंत उसका सोल्यूशन करेंगे।
यहाँ दिया हुआ है क्यू इक्वल टू दिया हुआ है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी दिया हुआ है। फर्स्ट में कहता है राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ एबीसी। डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो 11th में आ जाइए, अब उसका रिवीजन कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के द्वारा, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता था कि प्लस माइनस से पे टर्म का डायमेंशन सेम होता है। इसका मतलब इस पूरे टर्म का जो डायमेंशन होगा चार्ज के बराबर होगा, इस पूरे टर्म का डायमेंशन होगा वो भी चार्ज या इसके बराबर होगा। तो लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्यू बराबर आई टी यानी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज होता है एम्पियर इंटू टाइम। ये अलग टर्म है तो यहां पर इसलिए डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए इक्वल टू होगा एम्पियर टाइम बाय टाइम का स्क्वायर यानी ए टी माइनस वन होगा। उसी तरह से फिर से लिखेगा डायमेंशन फार्मूला फॉर्मूला ऑफ बी टी इक्वल टू एम्पियर टाइम, चार्ज के बदले क्यू बराबर आई टी के हिसाब से। इसलिए डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा ए टी बाई टी यानी सिर्फ एम्पियर। उसी तरह से आप लिख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी जो होगा यानी डायमेंशन शॉर्ट में लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ सी लिख देते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी इक्वल टू हो गया आपका एम्पियर टाइम हो जाएगा। बात समझ में आ गया है आप लोग को, बोलिए जल्दी से। इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। यस सर। बी नंबर में देखिए क्या कह रहा है, इसको समझिए। कहता है कि ए का वैल्यू जो है 5 है 3 है और 2 है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका 5 टी स्क्वायर और प्लस 3 टी हो गया और प्लस जो है आपका 1 हो गया। क्या हो गया? प्लस 1 हो गया, ठीक है। प्लस क्या हो गया आपका? 1 हो गया। तो कहता है करंट बताइए कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो 5 टी स्क्वायर है प्लस 3 टी है प्लस 1 है और आपको करंट, तो डायरेक्ट टाइम नहीं पुट करना, डायरेक्ट आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, इससे बनेगा। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएशन करने आता होगा, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5 टी स्क्वायर प्लस 3 टी प्लस 1 अब आई क्या होगा? डी टी होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई इक्वल टू क्या होगा आपको, बारी बारी डिफ्रेंशिएट करेंगे 5 टी स्क्वायर है और बाई डी टी है, फिर प्लस आपका है 3 टी बाई डी टी है और फिर आपका है डी 1 बाई डी टी है। आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 10 टी हो जाएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा आप प्लस 3 हो जाएगा और नंबर का 0 हो जाता है यानी आई बराबर आ गया 10 टी प्लस 3। नाउ एट टाइम टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर आ जाइए, जैसे ही टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर आइएगा तो आई होगा 10 इंटू 5 प्लस 3 यानी आई बराबर हो गया 53 एम्पियर करंट आपका आ गया। बात समझ लीजिए इसी तरह से। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहता है कि करंट दिया हुआ है आई इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी दिया है क्वेश्चन में, और फिर आई नॉट का भी वैल्यू दिया है और अल्फा का भी वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब 10 प्लस 40 दिया हुआ है आपका। देख लीजिए अल्फा का वैल्यू 4 है। तो कहता है चार्ज फ्लो थ्रू सेक्शन ऑफ वायर इन 10 सेकेंड, तो चार्ज फ्लो निकालना है
तो आपको तो अभी हम बताए थे जब फंक्शन में दिया रहे तो इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करते हैं, तो चार्ज फ्लो का जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डीटी होगा। अब इसको जब चार्ज फ्लो में इंटीग्रेट करिएगा तो इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो प्लस माइनस से सभी टर्म को बारी बारी से इंटीग्रेट किया जाता है, ये बात आपको पता है। तो आप 4t इंटू dt करेंगे, जीरो से कितना 10 सेकेंड तक के लिए आपको करना है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, 10 dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है 0 से 10, और आपका t का जो इंटीग्रेशन होता है t²/2 हो जाता है और लिमिट 0 से 10। तो क्यू बराबर जब यहाँ पुट करेंगे तो 10 और 10 माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 बाहर आएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, तो टोटल चार्ज फ्लो जो हो गया 300 कूलम चार्ज आपका फ्लो कर गया। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब देख लीजिए, तो करंट के डिफिनेशन से ये दोनों क्वेश्चन था, समझ में आ गया है। चलिए तो आगे बढ़े। यस सर। देख लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बात आगे और समझने की कोशिश करते हैं। ये था करंट का डिफिनेशन, यानी कि करंट के डिफिनेशन से इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिए करंट के डिफिनेशन को और थोड़ा एलोबरेट करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो देखिए करंट के डिफिनेशन में जो आप बात समझ रहे हैं, बहुत तरह का क्वेश्चन हो सकता है इसमें, है ना। ये भी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, है ना, इसमें भी थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना रहता है। अब बताइए एक फॉर्मूला को और हम आगे करते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो होगा आपके लिए I बराबर आप पढ़े हैं q/t पढ़े हैं, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़े हैं q±ne पढ़े थे। n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो मेटालिक वायर में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इसलिए करंट का जो इक्वेशन होगा n e/t भी हो जाएगा। देख लीजिए, अब आपको समझ लीजिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है t है, और i बराबर आप n e भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि n जो है वह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड है, तब ऐसा होगा। और यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो है, केवल पर सेकेंड के हिसाब से नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो है, तब ऐसा फॉर्मूला होगा। ये बात भी समझ लीजिए, आए बस समझ में। बुक कहाँ रखे हैं? चलिए क्वेश्चन है उसको बनाइएगा, 2 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा और 3 नंबर एस सी वर्मा का, जल्दी से उसी पेज नंबर में 2 और 3 बनाइए। चलिए देखिए कहता है 2 नंबर जो क्वेश्चन था एस सी वर्मा का, उसमें ये कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन गन इमिट 2×10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो पता है इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो आप बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो है पर सेकेंड दिया हुआ रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पर उससे गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई बराबर हो गया 3.2×10⁻³, यानी कि 3.2 mA, ठीक है। देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन था आपका 3 नंबर में,
वो कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्टिंग इन ए डिस्चार्ज ट्यूब इज 2 माइक्रो एम्पियर, यानी डिस्चार्ज ट्यूब रहे चाहे जो रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सर्किट में जो करंट है वो 2 माइक्रो एम्पियर है, यानी 2 × 10⁻⁶ एम्पियर है इसका मतलब। अब क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब इन 5 मिनट, तो चार्ज ट्रांसफर है तब क्यू बराबर आई टी है और आपका 2 × 10⁻⁶ और टाइम का जो वैल्यू दिया हुआ 5 मिनट दिया हुआ है तो 5 × 60। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये 10 हो गया तो 2 0 यानी 6 × 10⁻⁴ कूलम्ब चार्ज, या आप लिख सकते हैं 600 माइक्रो कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा 5 मिनट में। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया है हम क्या कहना चाह रहे थे। ये था बेसिक डिफिनीशन से क्वेश्चन था आपका, किससे था, बेसिक डिफिनीशन से ये क्वेश्चन था। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, वो भी आपका 10th क्लास का रिवीजन ही है मिली, ठीक है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं, तो एस शर्मा का 4 प्रॉब्लम भी बन गया और हम लोग को बेसिक डिफिनेशन भी समझ में आ गया है कि आखिर क्या है। 1 2 3 4 देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो हैं ओम्स लॉ पढ़े थे 10th क्लास में ही, ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ। देखिए ध्यान से समझिएगा, ओम का जो लॉ है वो आपका मेटल वायर यानी कि कंडक्टर के लिए लागू होता है, यानी कि उनका कहना है किसी भी रजिस्टर यानी कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, इसके क्रॉस जितना ज्यादा आप वोल्टेज डेवलप करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें करंट होगा। तो आप लोग पहले बताइए किसी सर्किट में आने की बैटरी लगाए तब वोल्टेज डेवलप होगा या आपका करंट पहले डेवलप होगा, ये बताइए, खुद सोचिए आप लोग, पहले क्या डेवलप होगा, वोल्टेज या करंट, बोलिए जल्दी से। किसी भी पहले वोल्टेज आएगा तभी करंट आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी आपका क्या होगा, करंट सर्किट में एग्जिस्ट करेगा। तो इसी को ओम्स ने भी कहा था कि करंट इन कंडक्टर या ओमिक कंडक्टर जो भी है, कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यानी कि आई जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, भी से सम टाइम पोटेंशियल डिफरेंस भी इंडिकेट करते हैं, सम टाइम पोटेंशियल भी इंडिकेट करते हैं। तो याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैट में भी से पोटेंशियल को इंडिकेट करते थे और यहाँ पर हर हाल में जहां भी होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दूसरा, करंट जो होगा कंडक्टर में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आप समझते हैं कि इनवर्स रिलेशन होता है, यानी लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, करंट इन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस, यानी आई जो होगा
वन बाई आर के होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लगा सकते हैं तो आई इक्वल टू वी बाई आर होगा, लेकिन हम लोग फेमस फार्मूला याद किए थे वी इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ का फार्मूला था। देखिए अगर हमको ग्राफ रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी वर्सेस आई का ग्राफ खींचना है या आई वर्सेस वी का खींचना है, जो भी खींचिए। देखिए याद कीजिए ग्राफ डायरेक्ट नहीं है, अब फिर ग्राफिकल व्यू इलेवेंथ में जो पढ़ाए हैं उस ग्राफिकल व्यू से ध्यान देना पड़ेगा। और ग्राफिकल व्यू में क्या है कि ये फार्मूला कैसा दिखता है आपको, तो देखिए वी वर्सेस आई का ही पहले ग्राफ खींच देते हैं, है ना, वी वर्सेस आई का ग्राफ। और ऐसे भी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो होता है आपका क्या होता है स्ट्रेट लाइन, यानी वाई इक्वल टू एक्स के ग्राफ के जैसा होगा, ये क्या होगा एक्स ग्राफ पे जैसा होगा। और अगर वी वर्सेस आई का ग्राफ खींचे हैं तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बताएगा इसका, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो आप ध्यान समझ लीजिए, आप यहाँ समझ सकते हैं कि वी वाई इक्वल टू अगर आप इसको एम एक्स लिखते हैं तो एम होता है स्लोप, और वी इक्वल टू आई आर तो एक्स एक्सिस पर आई है, वी के बदले वाई है तो स्लोप ऑफ ग्राफ के बदले आर होगा, यानी स्लोप ऑफ ग्राफ जो होगा आपका रेजिस्टेंस बतलाएगा, क्या बतलाएगा रेजिस्टेंस बतलाएगा। देख लिए ध्यान से, आप उल्टा भी ग्राफ खींच सकते हैं, है ना, आप ग्राफ जो है यहाँ पर आई वर्सेस भी खींच सकते हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होगा, वो भी क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, लेकिन इसका स्लोप जो होगा स्लोप ऑफ ग्राफ जो होगा वह अब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा ग्राफ खींचे हैं तो वन बाई रेजिस्टेंस बतलाएगा। देख लिए ध्यान से, इन सभी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्लोप ऑफ ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, अब फिर से यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन, यहां पर एक फिगर बनाया हुआ है आपका, देख लीजिए यहां पर, और यहां पर जो है आपका आई वर्सेस वी ग्राफ है, और यहां पर दो ग्राफ खींचा गया है, देख लीजिए एक ही पॉइंट से, और एक ग्राफ ऐसा है, ये जो है आपका आर वन है, ये आर टू है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर, आर वन और आर टू। आर वन या आर टू, आपको ये बताना है कौन इसमें बड़ा है, आर वन बड़ा है कि आर टू बड़ा है, किसका रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा है, सिंपल सा टर्म में मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग बताइए जल्दी आंसर। आर वन, आर वन क्या है बड़ा है, और आर टू क्या है छोटा है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखिए बात समझिए अच्छी तरह से, इसको प्रूफ कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को, तो आपको प्रूफ करने के लिए थोड़ा मैथ का हेल्प लेना पड़ेगा। आपको यहां से दिख रहा है कि अगर R2 तक एंगल ले जाएंगे तो उसको थीटा 2 लिखेंगे, और अगर R1 तक एंगल ले जाएंगे तो उसको थीटा 1 लिखेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ के हिसाब से, और सामने दिख रहा है कि थीटा 2 जो है ग्रेटर है थीटा 1 से, ये तो दिख रहा है फिगर में, देख लीजिए थीटा 2 एंगल ज्यादा है थीटा 1 से, और तब तो टेन थीटा 2 का जो वैल्यू होगा वह भी ग्रेटर होगा टेन थीटा 1 से, देख लीजिए ध्यान से। और तब तो यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर में करंट है और बेस में वोल्टेज है, तो I बाई
भी हो जाएगा, लेकिन ये टू और टू हो जाएगा क्योंकि टू लिखा हुआ है, ग्रेटर हो जाएगा आई वन आर बाई भी वन हो जाएगा, लेकिन आप भी इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं तो आई बाई आर आई बाई भी इक्वल टू वन बाई आर हो जाएगा, इतना हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसका मतलब होगा वन बाई आर टू जो है वह ग्रेटर है वन बाई आर वन से, इसलिए आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, आपका ये प्रूफ हो गया। बोर्ड में इसी तरह से लिखना पड़ेगा प्रूफ कर करके, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए ये ओम्स लॉ था, यानी ओम्स लॉ में इस तरह की बातें हो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है। यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर। चलिए इधर देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर या मेटल वायर जो भी है ना, इसका फॉर्मूला तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई आपका अगर यूनिफॉर्म वायर है जो मेटल से बना, सिर्फ मेटल के लिए याद किया, ओम्स लॉ सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के लिए लागू होता है और कहीं नहीं लागू होता है, मेटल का बना हुआ है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहां से करंट घुसता है इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, जितना दूर से करंट एंट्री मारता है पूरे एरिया से, और यह लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। तो आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, आर बराबर रो एल बाई एरिया, यानी हम फॉर्मूला को सिर्फ ध्यान दिलाना चाहते थे, ये फॉर्मूला आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, है ना, एल जो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है और ए जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और रो को कहते हैं रेसिस्टिविटी, क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी, और स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, और आपको पता है एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होता है, ओम, ओम्स लॉ है तो ओम से ही हम लोग कहते हैं ओम, और ओम का जो सिंबल होता है वो आपका इस तरह से होता है, है ना, तो ये सब आप समझ सकते हैं, तब तो एस आई यूनिट यूनिट ऑफ अगर रेसिस्टिविटी लिखेंगे तो क्या होगा, ये लेंथ मीटर है यानी ओम मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ओम मीटर, ओम मीटर हो जाएगा, है ना, लेकिन हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, ये सब बहुत सिंपल सा चीज है, हमसे क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज 10 ओम, 10 ओम है, इफ वायर स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ
देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस टेंस ऑफ वायर, देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मैं बनाता हूं और अगला क्वेश्चन फिर आपको मिलेगा। देखिए यहां पर जो है क्वेश्चन के अनुसार एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है। तो कोई वायर का लंबाई भाई आपको कुछ नहीं दिया है ना, एरिया दिया है, कुछ दिया ही नहीं है आपको। तो आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल आप इसका लेंथ एल मान लीजिए, एरिया ए मान लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेजिस्टेंस जो शुरुआत में यानी पहला बार में जो है वह रो एल बाई एरिया है और उसी का 10 ओम दिया है। आंसर इक्वेशन पहला बना दीजिए। फिर क्वेश्चन में कहता है इस वायर को खींच करके डबल लंबा कर दिए, जितना लंबा था उसका दोगुना लंबा कर दिए। तो आप खुद बताइए जब वायर की लंबाई बढ़ेगा तो क्या इसका एरिया वही रह जाएगा, एरिया तो घटेगा। तो लंबाई आप एल फाइनल में लंबाई आप 12 कर दिए इसका, और तब 10th के मैथ में जाइए बाई वॉल्यूम कंजर्वेशन, वॉल्यूम कंजर्वेशन, वॉल्यूम कंजर्वेशन। जब वॉल्यूम कंजर्वेशन की बात कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर एरिया गुने लेंथ होगा, यानी बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या होगा एरिया इंटू लेंथ होगा। तो एरिया इंटू लेंथ होगा इनिशियल में, और बाद में फाइनल एरिया पता नहीं है बट लेंथ दुगना हो गया था ये बात पता था, इसलिए यहां से फाइनल एरिया जो हो जाएगा इनिशियल एरिया का हाफ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जब फाइनल में लिखेंगे तो रो और एल फाइनल जो लिखेंगे वो 12 हो गया था, एरिया फाइनल जो लिखेंगे वो ए बाई 2 हो गया था। इन सभी को गुना भाग करने आपको आता है, 2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा और रो एल बाई एरिया बच जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस जो फाइनल में होगा आप समझ लीजिए 4 × 10 यानी 40 ओम आ गया। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छे से, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए, क्योंकि फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन चलेगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिए। सर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, विरोध करने वाला। आप जो काम करते हैं वो घर में कोई आपको विरोध करता है कि नहीं? यस सर। उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो चलने लगता है तो उसको जो विरोध करता है उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं, और इंस्ट्रूमेंट अगर बन जाए तो उसको रेजिस्टर कहते हैं। और रेजिस्टिविटी सर, रेसिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा रेसिस्टिविटी होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप किया जाएगा। है ना, जितना लोग घर में आपको अपोज करने वाला ज्यादा मिलेंगे आपको रेजिस्टेंस का सामना ज्यादा करना पड़ेगा, कम लोग मिलेंगे कम रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, आयरन के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, गोल्ड के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा रेसिस्टिविटी। लेकिन सेम वायर के लिए, सेम मटेरियल के लिए सेम होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। थोड़ा सा और बढ़ा के बोल देते हैं क्योंकि 10th क्लास में इतना ही पढ़ना था, लेकिन हम इसी में पढ़ाएंगे आगे कि यह भी टेम्परेचर के अनुसार बदलता है, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल अभी 10th का रिविजन करवा रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि 10th में कितना पढ़ के आए हैं आप लोग, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आप लोग के लिए अब होगा, ठीक है, तो लिखिए आप लोग प्रॉब्लम। शुरुआत कीजिए, प्रॉब्लम है
अबायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम स्ट्रेच्ड सच दैट रेडियस ऑफ वायर becomes 1/3 then find new resistance of wire question बनाइए देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम स्ट्रेच्ड सच दैट रेडियस ऑफ वायर बिकम्स 1/3 देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर आप लोग को निकाल के दिखाना है और दिमाग भी लगाइएगा तभी बनेगा आंसर बताइए जल्दी से बना के आप लोग बन गया बोलिए जल्दी से आंसर आया आप लोग का यस सर कितना आया 360 थोड़ा बहुत लगता है गड़बड़ कुछ है भैया तो व्हाट्सएप पर चेक करते हैं भेजिए जल्दी से आपका तो गुना भाग ही लगता है किया हुआ थोड़ा बहुत गलत है समझ गए पहले ही में 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता है 9 होता है आप गलत बनाए हैं ठीक है स्टार्टिंग में वो रेजिस्टेंस गलत लिखते हैं और 3 का स्क्वायर भी आपका 6 नहीं होता है 9 होता है चलिए मैं बता देता हूँ फिर से समझ लीजिए टेंशन नहीं लेना है देखिए सलोनी आपका भी गलत है जो आप भेजे बना करके देखिए यहाँ पर देख लीजिए कहता वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम है तो सबसे पहले एक वायर बना लीजिए आप इसका रेजिस्टेंस 15 ओम है तो इसका कुछ लेंथ होगा कुछ एरिया होगा और एरिया तो पाई स्क्वायर यानी रेडियस के टर्म में लिखा है आपके बाद इनिशियल में जो है रो एल बाई पाई आर स्क्वायर का वैल्यू जो है यह 15 ओम है इक्वेशन नंबर पहला ये हुआ दूसरा बार में वायर को खींच के लंबा कर दिए हैं रेडियस जो हो गया है फाइनल वो आर बाई 3 हो गया लेकिन लेंथ फाइनल हमको पता नहीं था तो फिर से लिखेंगे बाई वॉल्यूम कंजर्वेशन क्या लिखेंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन जब वॉल्यूम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो आप सिंपली समझ लीजिए कि क्या करना है आखिर तो वॉल्यूम लिखेंगे तो एरिया गुणे लेंथ तो पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ पहले था और बाद में हो गया है पाई आर बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू लेंथ फाइनल तो फाइनल लेंथ जो हो जाएगा आपका 9L हो जाएगा देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से और तब तो यहां पर लिखेंगे रेजिस्टेंस फाइनल जो लिखेंगे रो एल फाइनल पाई
आर फाइनल का स्क्वायर। तो आर फाइनल जो लिखा है रो, एन फाइनल जो है 9L है, और पाई आर बाई थ्री का होल स्क्वायर होगा, इसका भी 9 ऊपर चला जाएगा। तो आर फाइनल जो हो जाएगा 81 हो जाएगा, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जब वैल्यू वहां पर पुट करेंगे ऊपर, तो आर फाइनल जो हो जाएगा 81 इंटू आपका 15 आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, तो आर फाइनल हो जाएगा 15 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 15 में है ना, तो 120 और 10 जो हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इतना आ जाएगा। अच्छा 1 2 होगा, 1 2 होगा, 121 होगा, 1 2 1 5 आ जाएगा आपका। इतना जो है क्या है, आ गया था सर, क्यों? तो इतना ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर ट्रिक और फॉर्मूला याद करके रख दे, ये तो प्रोसेस था, डायरेक्ट भी बन सकते हैं। अगर कहीं पर आपको कहे लेंथ इंक्रीज एन टाइम, क्वेश्चन में अगर कहे इफ लेंथ इंक्रीज एन टाइम देन, तब फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा एन स्क्वायर और इनिशियल के बराबर होगा। देखिए फार्मूला के टर्म में याद कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेडिकल उत्कल में कभी कभी पूछ देता है, सब बहुत फायदा करेगा। लेंथ इंक्रीज एन टाइम कहेगा तब, और दूसरा हम कहे इफ रेडियस डिक्रीज बाय एन टाइम देन आर फाइनल जो होगा एन का पावर 4 और आर इनिशियल होगा, इस बात को याद कर लीजिएगा। तो आपको ज्यादा कोई कष्ट नहीं होने वाला। देखिए दोनों बना के प्रूफ किए हैं तब आपको बता रहे हैं। देखिए 15 का 3 टर्म, तो 3 का पावर 4 कीजिए, आई इंटू 15 कीजिए, देखिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी आपके पास डायरेक्ट बचा हुआ है क्वेश्चन, एक पहले भी बताए हैं। आए बात समझ में, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देख लिए इतना टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हम टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो आपको खुद करना पड़ेगा किस तरह का प्रॉब्लम। देखिए हमारा काम है एक तरह का थ्योरी पढ़ाना, देखिए उल्टा पुल्टा पढ़ा देंगे तो फिर फॉर्मूला याद करने में कष्ट हो जाएगा। इसीलिए एक चीज याद रखिए कि लेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज करेगा तो भी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और इसी दो पर। अब इसका उल्टा अगर पूछे तो उतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं, 6 7 8 9 से मैथ में तो यही सब पढ़ते आते हैं, तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। ज्यादा फॉर्मूला भी याद करना आपके लिए घाटा हो जाएगा, हम इसका उल्टा वाला फॉर्मूला लिखा देंगे, सब कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए एक फॉर्मूला याद कीजिए कि रेजिस्टेंस बढ़ता किस कंडीशन में है, तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, उस कंडीशन का फॉर्मूला लिखा दिए, रेडियस घटने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, उस कंडीशन का क्वेश्चन फॉर्मूला दोनों करवा दिए, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। आए बस समझ में, इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, और ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए तो ये था रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता घटता है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। अभी हम 10th लेवल में घूम रहे हैं, बस इतना ही याद कीजिए, ये सब क्वेश्चन वहां भी बनाना था, और कुछ फार्मूला हम याद करवा देंगे अभी तुरंत फिर से, और ये सब कभी कभी सम टाइम ये सब फार्मूला आया करता है। ठीक है,
आप करंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत छोटा है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम दिया, कुछ पढ़ने के लिए नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी से 3 गुना ज्यादा। चलिए इधर देखिए ध्यान से, अब इसमें सम स्पेशल कंडीशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, है ना। तो पहला है रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इसका दो केस, केस फर्स्ट में बिटवीन टू एंड्स दो एंड्स के बीच में निकालना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब ये हॉलो सिलेंडर है ऐसा बनाया हुआ, ऐसा है, ये हॉलो सिलेंडर है, यानी कहने का मतलब है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा ये हॉलो सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस है, क्या है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। आप जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जब करंट वायर जोड़ेंगे तो करंट सिर्फ यहां से एंट्री करेगा, इस एयर से एंट्री नहीं करेगा, एयर से एंट्री नहीं करेगा, और ये अंदर वाले का रेडियस मान लेते हैं कि आर वन है, लेकिन ये बाहर वाले का रेडियस आर टू है, ऐसा मान लेते हैं, दो पार्ट होगा। अब जब इसमें वायर जोड़ेंगे करंट का ऐसा, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, तो करंट जो है इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करना शुरुआत करेगा, सिर्फ छोड़ेगा कौन, ये सर्कुलर जो हॉलो है उससे नहीं जाएगा, इतना पूरा एरिया से करंट घुसेगा और सभी जगह से करंट इस तरह से फ्लो करने लगेगा, लेकिन इससे नहीं फ्लो करेगा, तो कितना एरिया से चार्ज फ्लो करेगा उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आर बराबर रोला, रो होता है, और करंट उस मेटल वायर में कहाँ एंट्री किया, कहाँ लिव किया, वो डिस्टेंस को लेंथ कहते हैं। तो एल होगा ये लेंथ ऑफ सिलेंडर होगा, बोल रहे हैं ध्यान सुन लीजिए, एल है लेंथ ऑफ सिलेंडर होगा, तो रो एल बटा एरिया होगा। और आपको पता है ना कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं, बाहर का एरिया लेकर के अंदर का एरिया घटा देंगे तब इसका एरिया निकलेगा, यानी आप लिखेंगे पाई आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, बात समझ लीजिए ध्यान से, और ये रहेगा ऐसे ब्रैकेट में, और ये हुआ रेजिस्टेंस ऑफ किसका, हॉलो सिलेंडर बिटवीन टू एंड्स, मतलब करंट दोनों एंड से फ्लो करेगा उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। बताइए समझने में कोई कष्ट है तो बोलिए आप लोग। नो सर। देख लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं, अब केस सेकंड मेनली मजा देने वाला है, बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस के बीच खींचना है, इनर एंड आउटर सरफेस, मतलब अब की बार सिलेंडर अगर ऐसा है तो इधर से और इधर से करंट नहीं देना है, इसके अंदर से देना है, उसका फिगर मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो है आपका इस तरह से है, और यहां पर भी जो है आपका इस तरह से है, ठीक है। एक आपका हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो है तो एक अंदर और भी बनाना पड़ेगा हमको ऐसे, और ये आपका जो है होगा एक्सिस होगा, क्या होगा, ये एक्सिस है, ठीक है। अब इसकी रेडियस जो है ये आर वन होगी, एक्सिस है तो इसका रेडियस क्या होगा, आर वन होगा, और अंदर इधर का रेडियस मान लेते हैं कि आर टू होगा,
अब आपको करंट जो देना है ना, करंट यहां से देना, अंदर वायर घुसा के देना है। इसको मैं रेड से बना देता हूँ, करंट का वायर अंदर से घुसा के देना ऐसे, और ऐसे सेल जोड़ना है और इसको यहां पर जोड़ना है। अब आप ही लोग बताइए करंट कैसे फ्लो करेगा, ये सोच लीजिए। करंट यहां से जाएगा और ऐसे यहां से एंटी मार करके करंट इधर से ऐसे फ्लो करेगा। आई का फ्लो का जो डायरेक्शन होगा अब की बार ये होगा। बात समझ में आ रहा है, देख लीजिए पहले यहां तक पहले बात समझ लीजिए, क्योंकि फिगर धीरे धीरे गंदा होते चला जाएगा इसमें भी। और यहां तक बात समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं? नो सर, नहीं समझ में आया। देखिए बोतल देखे हैं? यस सर। गर्म पानी रखिएगा तो हीट कैसे फ्लो करेगा, ढक्कन से लेके पेंदी तक कि अंदर के सरफेस से लेके बाहर के सरफेस तक? बोलिए। फिर से बोलिए तो सर। बोतल देखे है ना, बोतल जिसे पानी पीते हैं? यस सर। उसमें गर्म पानी रख दीजिए तो हीट एनर्जी फ्लो करेगा ढक्कन से लेके बॉटम तक के तरफ डायरेक्शन होगा, या फिर अंदर के सरफेस से लेके बाहर के सरफेस के तरफ होगा? फिर अंदर से बाहर, वही वाला चीज यहाँ भी होगा। हमने बोले थे हीट करंट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक ही हैं, और रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला सेम होता है सारा। तो इसमें भी करंट को जो है ना ऐसे था ना, मान लिया कि ऐसे सिलेंडर था तो सिलेंडर के अंदर में जाके यहाँ वायर जोड़ दिए हैं और एक वायर बाहर से, तो करंट जो है अंदर से बाहर फ्लो करेगा। अब इस एंड से उस एंड नहीं जाएगा, अब एक एंड से दूसरे एंड नहीं जाएगा वो, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब है जो अंदर से बाहर की ओर फ्लो करेगा या बाहर से अंदर की ओर फ्लो करेगा, वो वाला सिचुएशन। और सिलेंडर देखते हैं मोटा बनाए तब की बार जान बूझ, तो इसका रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका है ना थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि अब याद कीजिए वेरिएबल टर्म आ जाए। इन सभी में कोई वेरिएबल नहीं था, जितना एरिया यहाँ था उतना ही एरिया यहाँ था, उतना ही एरिया यहाँ था, लंबाई भी कॉन्स्टेंट था। अब की बार आप बताइए सिलेंडर अगर हॉलो सिलेंडर है जिसको सिलेंड्रिकल सेल कहते हैं आप, तो अंदर का एरिया कम होगा सरफेस एरिया और बाहर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ये बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। अंदर का एरिया इतना ही दूर में होगा, अब बाहर का एरिया इतना दूर में है, एरिया आ गया वेरिएबल। अगर वेरिएबल आ जाए फिजिक्स में तो याद कीजिए न्यूटन का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दो ही को कंडीशन होता है इसको बनाने के लिए, और कोई कंडीशन नहीं होता है। तो इसको बहुत सारा पीस में डिवाइड करेंगे, लेकिन पीस में तो डिवाइड किया तो इंटीग्रेशन का लिमिट नहीं मिलेगा, तो पूरे पीस में वो टर्म चलता है। अगर वायर को डिवाइड करना हो तो पीस में करते हैं, सिलेंडर को डिवाइड करना हो तो सिलेंड्रिकल सेल में करते हैं, स्फेयर को डिवाइड करना हो तो स्फेरिकल सेल में करते हैं, और स्क्वायर प्लेट को डिवाइड करना हो तो रॉड के शेप में सबको छोटा छोटा पीस में बदल देते हैं। इन सभी बात को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर अब उतना तो याद हो जाना चाहिए 11 से 12 आते आते कि हर हाल में इसको अब सिलेंड्रिकल लगता है। हीट जो पढ़ाए हीट का सब डेरिवेशन आप लोग को याद नहीं है, हीट में भी सब डिस्कशन किया। अच्छा ठीक है, फिर से शुरुआत करेंगे हीट। देखिए यहाँ पर बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर इसको बहुत सारे सिलेंड्रिकल सेल में डिवाइड करेंगे और सारा सिलेंडर जो होगा वो एक्सियल होगा, यानी सबका एक्सिस सेम होगा। उसमें से एक पीस कंसीडर करेंगे, जिसको कंसीडर कर रहे हैं उसको रेड से बना रहे हैं, देख लीजिए वो जिसको कंसीडर करेंगे उसको क्या चीज से बना रहे हैं, लाल कलर से बना रहे हैं, आपको दिख रहा होगा अच्छा से। जिसका रेडियस जो है वह रेडियस आर होगा, आर वन आर टू नहीं आर होगा, और इसका जो थिकनेस होगी मोटाई जो होगी वो डी आर होगी, समझ लीजिए। इसलिए बोले थे ध्यान से समझते चलिएगा, सब अलग अलग कलर का हम यूज कर रहे हैं, आप लोग भी कॉपी में अलग कलर बनाइएगा तभी काम बनेगा, नहीं तो सब लगेगा कि इतना लाइन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 सब लाइन आपको एक ही दिखने लगेगा। फिर धीरे धीरे ध्यान से समझिए। तब अब हमको लिखना है सबसे पहले, अगर इसको लैंग्वेज थोड़ा बहुत लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, फर्स्ट बी डिवाइड द, लिख देते हैं एक बार, फर्स्ट बी डिवाइड द
और जो है सिलेंड्रिकल सेल इनटू मेनी थिन सिलेंड्रिकल सेल मेनी थिन को एक्सियल कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल सिलेंड्रिकल सेल one such cell taken of radius r और इधर से लिख रहे हैं अब रेडियस r यहां तक बात समझ में आ गया होगा रेडियस r एंड थिकनेस dr एंड थिकनेस dr थिकनेस कितना dr का कंसीडर किया है। अब आप बताइए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, किसका रेजिस्टेंस जो सिलेंड्रिकल सेल कंसीडर किए हैं उसके रेजिस्टेंस को dr से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे dr से डिनोट करेंगे। और वह dr जो होगा उस बात को समझिए, वो dr क्या होगा, तो dr जो होगा रोला होगा, रो एल बाई एरिया होगा, रो एल बाई एरिया। अब सिलेंडर में करंट जो फ्लो कराया रहा है अंदर से बाहर, तो लेंथ जानते क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर और सिलेंडर नहीं होता है, 10th क्लास को भूल जाइए, बहुत आप लोग कंफ्यूजन में सारा क्वेश्चन बना देते थे सही सही। लेंथ जो होता है रो एल बाई एरिया में लेंथ जो होता है, करंट किस पोजीशन से एंट्री मारा और किस पोजीशन से निकला उसके बीच का डिस्टेंस होता है। आया बात समझ में, एल जो होता है लेंथ ऑफ सिलेंडर नहीं होता है रेजिस्टेंस में, करंट कहाँ एंट्री मारा कहाँ निकला वो डिस्टेंस होता है लेंथ। लेकिन यहाँ तो लेंथ इधर से इधर में एंट्री नहीं ना मारा है, ये तो अंदर से बाहर गया है। तो अगर इस रेड वाले सिलेंडर का सिर्फ अभी स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ लेंथ जो लीजिएगा वो जानते क्या लीजिएगा, आपको ये डी आर होगा, थिकनेस होगा, क्योंकि करंट जस्ट एंट्री मार करके बाहर निकल गया है, यानी कि करंट जस्ट एंट्री मारा यहां से और जस्ट बाहर निकल गया, तो ये थिकनेस जो है ना वो आपका लेंथ का काम करेगा। कोई कंफ्यूजन है तब बोलिए, क्योंकि अब हम लिखेंगे रो एल, फिर से क्या बता दें आप पूछिए, क्वेश्चन अराइज कीजिए फिर से, नहीं वही थिकनेस कैसे हुआ तो आप खुद सोचिए, बोतल में हीट एनर्जी कहां से निकल रहा है अंदर से बाहर, तो कहेंगे हीट एनर्जी कितना दूरी तय किया था, क्या लीजिएगा बोतल से पेंदी के बीच का दूरी या फिर अंदर से बाहर का दूरी लीजिएगा, आप खुद सोचिए, साइंस के स्टूडेंट हैं थोड़ा दिमाग लगाइए। बोतल में गर्म पानी जो हीट एनर्जी निकल रहा है अंदर से बाहर, तो कहेंगे हीट एनर्जी बोतल का कितना दूरी तय किया, तो ढक्कन से लेकर के पेंदी तक का लंबाई लीजिएगा कि अंदर से बाहर जो उसका थिकनेस है वो लंबाई लीजिएगा, तो वही तो हम भी कर रहे हैं, हम कहाँ गलत काम कर रहे हैं। थोड़ा सा 12th में आए कि परेशान शुरुआत हो गए, 10th में कितना मजा आ रहा था, नहीं सब बता रहे थे प्रॉब्लम तो। चलिए रो एल बाई एरिया, एरिया क्या होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया होगा, सिलेंडर का कौन कर्व सरफेस का एरिया लेना है वो एरिया होगा रोला, तो एरिया कितना होता है 2πr(l) हो जाएगा, सॉरी यहाँ dl नहीं dr होगा, ठीक है dr थिकनेस माने थे, एरिया समझ में आ गया ना, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर का एरिया लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अंदर में पूरे से करंट फ्लो कर रहा है बाहर की ओर, इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं समझ आया, बोलिए जल्दी, क्योंकि अब समझने वाला काम खत्म है, अब सीधा इंटीग्रेट करेंगे आंसर आ जाएगा। सर पूरा लेंथ से थोड़ी करंट पास कर रहा है एक, तब करंट आप बताइए, बोतल में गर्म पानी रखिएगा तो एगो पॉइंट से पार करेगा सिर्फ थिकनेस को, कि चारों तरफ पूरे बोतल से निकलना शुरुआत करेगा, पूरे बोतल से एकदम 100% करंट जो है हीट को फ्लो करता है, क्योंकि करंट को देख नहीं पाते हैं, हीट को आप ऑब्जर्व किए हैं बहुत बार,
ना, ठंडा में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी रख करके, सारा कंडीशन वही होता है। पर तो पूरा सिलेंडर के लेंथ से पास कर जाएगा ना तब तो। हाँ, पूरा सिलेंडर के मतलब एरिया से, कर्व सरफेस एरिया पार करेगा। देखिए यहां पर अब आगे बढ़ते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस जब आर निकालना चलेंगे तो डीआर का इंटीग्रेशन होता है, तो जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आर और आर फंक्शन में है, इसलिए रो 2 पाई L जो है कांस्टेंट हो गया। अब फंक्शन में बच गया डी आर बाई आर, इसीलिए यहां पर जब चलिएगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन कीजिएगा, R1 से लेके R2 तक। क्यों? क्योंकि अंदर में रेडियस R1 है और बाहर का रेडियस R2, उतना दूर ये हीट फ्लो करेगा। अब मोटा बना दिए हैं उसको तो उतना दूर हीट फ्लो करेगा, इसलिए R1 से R2 तक का इसका इंटीग्रेशन होगा। और आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, रो बाई 2 पाई L, और इसका इंटीग्रेशन लॉग होता है ln R होता है। R1 से लेके R2 तक चलिएगा तो डायरेक्ट पे थोड़ा स्टेप हटा देते हैं, 2 पाई L होगा और लॉग ln में होगा R2 बाई R1 हो जाएगा। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंड्रिकल सेल, कब जब अंदर से बाहर जाएंगे तब। और ln को अगर लॉग के बेस में जाते हैं, 10 के बेस में, तो आएगा 2.303 रो, और log 10 के बेस में R2 बाई R1 और डिवाइडेड बाई 2 पाई।